नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करते हो, दैट्स अ स्किल आल्सो. और चीख से यू प्रूव्ड योरसेल्फ यू कैन एक्ट. ऐसा क्या था उस रोल में कि जो तुम्हें अपना 100% देने का मौका मिला? आई गेस जो प्राइमरी चीज जो कि रेजोनेट की ऑडियंस के साथ, आई थिंक इट्स ओके फॉर अ मैन टू बी वल्नरेबल, इट्स ओके फॉर अ मैन टू क्राई, इट्स ओके फॉर अ मैन टू बी ओपन अबाउट हिज फीलिंग्स, एंड इट्स ओके नॉट टू बी ओके. वो तो रोल हो गया, मैं तुम्हारी एक्सपर्टीज की बात कर रही हूँ कि वो दिखाने का तुम्हें उस रोल में मौका, कुड यू रिलेट टू द रोल मोर और क्या था? देखिए, इन द सोसाइटी वी लिव इन, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द प्रोसेस दैट वी हैव टू गिव. यहाँ पे उल्टा है, हम लोग रिजल्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रोसेस को इतनी नहीं देते. तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस. चीह का कैरेक्टर शायान करने से पहले 5-6 साल का एक रगड़ा था मेरे पीछे जो कि दैट मेड मी केपेबल ऑफ पोर्ट्रेइंग शायान एंड पोर्ट्रेइंग हिम कन्विंसिंगली. सो आई थिंक 5-6 साल की मेहनत थी उसके पीछे. 5-6 साल की मेहनत तो कुछ भी नहीं, लोग 20-20 साल से मेहनत कर रहे हैं और वहाँ नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तुम 5 साल में पहुँच गए. लेकिन आज जिस चीज़ के लिए हम सब तुम्हें बहुत एडमायर करते हैं, तुमने वो मेहनत की है जो हर एक्टर को करके आनी चाहिए. आपने वॉइस ट्रेनिंग की, आपने अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया. क्या क्या सीखा और किससे सीखा? यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा, बुक से बहुत कुछ सीखा और ऑब्जर्वेशन से. हमेशा से जब से छोटा बच्चा था मेरे ख्याल से मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत सुपीरियर थी. रोल मॉडल्स घर में मेरा बड़ा भाई, माय फादर. आई यूज्ड टू ऑब्जर्व कि ये घर में किस तरह एक्ट करते हैं और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो किस तरह एक्ट करते हैं. आई यूज्ड टू ऑब्जर्व कोई भी इंटरव्यू, अगर उस वक्त क्रिकेटर्स कुछ ज़्यादा होता नहीं था, हमारे पास सिर्फ एक चैनल हुआ करता था, इमरान खान का इंटरव्यू देखना, तो उसकी कैरिज्मा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एंटिक्स, उसकी आवाज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कैरिज्मा, उसका आई कॉन्टैक्ट वगैरह, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जिसने आज आई नेवर न्यू कि मैं एक एक्टर बनूंगा. इट्स टोटली आउटरेजियस अगर आप मुझसे पूछते हैं आज से 20 साल पहले कि वुड आई बी एन एक्टर, आई वुड हैव सेड नॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आई वुड बी एन एक्टर. अच्छा, तो ऑफर हो गई थी तो एक्टिंग की है कि था? क्योंकि एक हमारे मुल्क में मॉडलिंग के बाद नेचुरल प्रोग्रेशन है एक्टिंग, अगर आप इस करियर में रहना चाहते हैं तो ऐसे ही हुआ था कि यू वर थिंकिंग अबाउट इट? नहीं, इफ आई थिंक वी आर ऑल अ रिजल्ट्स ऑफ द थिंग्स वी अलाउ अवरसेल्फ टू बिलीव. सो मैंने कभी भी अपने आप को ये बिलीव नहीं करने के लिए इजाज़त दी थी कि मैं एक एक्टर बन सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से एक अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को छुपाता था दुनिया से. बहुत शाय था, बहुत. तुम अभी भी शाय हो, यू आर एन इंट्रोवर्ट, और तुम अपनी फीलिंग्स इतनी एक्सप्रेस नहीं करते, हर जगह चुप करके अपने आप में रहते हो. जी हाँ, ऐसे ही है. लेकिन आई रियलाइज के शायनेस इज अ डिसऑर्डर, शायनेस को ओवरकम करना होगा अगर तो आपने लाइफ में आगे जाना है, क्योंकि शायनेस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आपके आपके रिलेशनशिप्स को, आपके फाइनेंसिस को, यहाँ तक कि कितना आप आगे जाओगे उसको कंट्रोल करता है. कैसे कंट्रोल करते हैं? कैसे कंट्रोल करता है? बिकॉज आप एक प्रोपेगेंडा अपने दिमाग में चला रहे होते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ, मेरी आवाज़ नहीं अच्छी, मुझे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे ये स्किल्स नहीं है, ये सारे प्रोपेगेंडा आप अपने आप को पढ़ाते हो. वर यू गोइंग थ्रू दैट? आई हैव गॉन थ्रू इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माय लाइफ. मतलब ये तो तुम नहीं सोच सकते कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ. आई मीन What else do you want? क्या चाहते हो? आसमान गिर जाए हुसन में. Well, वही वाली बात ना कि हमारे emotions can either serve us or master us. So emotions हमारे बहुत important है, क्योंकि हम जिस तरह feel करते हैं उस तरह हम act करते हैं, और जिस तरह हम act करते हैं उस तरह हमारी जिंदगी उस रुख में चली जाती है. तुम्हें लगता है कि गुड लुकिंग लोगों को लोग ज्यादा जज करते हैं एक्टिंग पे, उनको एक ड्रॉबैक होता है, जैसे ऐश्वर्या राय ने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई है, लेकिन लोग यही कहते हैं नहीं यार बस शक्ल ही है, ये एक ड्रॉबैक है ना? ये एक चीज है, लेकिन मैंने एक चीज नोट की है कि हमारे प्रोफेशन में एक्टिंग पे हर किसी को अथॉरिटी है, डायरेक्शन पे नहीं है, डायलॉग्स पे नहीं है, स्क्रीन प्ले पे नहीं है, डायरेक्टर फोटोग्राफी पे नहीं है, एक्टिंग पे हर बंदे का कोई ना कोई ओपिनियन है. बिल्कुल. हालांकि उनको नहीं मालूम कि कितना मुश्किल है टू बी वल्नरेबल, टू बी वन अप, टू एक्सपोज योरसेल्फ आउट देयर, टू बिकम अनदर कैरेक्टर, एस्पेशियली फॉर समवन लाइक यू. Yeah. Who's a private person. Yes, so it's hard work. It's hard work, but you have to fall in love with what you do. आप जब तक अपने काम से मोहब्बत नहीं करोगे, आपको सही उसका मकसद नहीं पता चलेगा. हो गई मोहब्बत काम से? करनी पड़ी, क्योंकि इंस्पिरेशन और डेस्पिरेशन एक ऐसे मोटिव्स हैं जो कि आपको बहुत कुछ करवा देते हैं. अच्छा,
वैसे तो तुम्हारी रेपुटेशन बहुत क्लीन है, वी ऑल नो दैट. थैंक यू. ठीक है. लेकिन करीबी दोस्तों का कहना है कि हमारा फ्लर्ट बहुत है. अटेंशन भी बहुत मिलती होगी. मात ऑफ कोर्स यू आर अ स्टार नाउ, यू आर एक्सट्रीमली गुड लुकिंग गाय. हाउ डू यू हैंडल दैट? आई जस्ट डोंट लेट इट गो टू माय हेड. आई जस्ट क्रिटिसिज्म भी जब होता है, आई डोंट लेट इट गो टू माय हार्ट आल्सो. मुश्किल होता है, you have to have a very thick skin. तो फैंस फोन करते हैं, नंबर तो ढूंढ लेते हैं. हाँ, लेकिन अब इतना अच्छा जमाना आ गया कि आप ब्लॉग बड़े मजे से कर सकते हो लोगों का. लेकिन दिल नहीं दुखता अगर कोई लड़की फैन हो एंड शी वांट्स टू स्पीक टू यू, तो किस तरह हैंडल करते हो? इफ़त, अब उस एज में हूँ कि ये चीजें अब इतनी एक्साइट नहीं करती. अब जो चीजें एक्साइट करती हैं वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करती है, अपना काम करता है और अपने गोल्स करते हैं. So you married your bachpan ki sweetheart. Yeah, childhood sweetheart. Any regret? Not at all. I think where I am. Jaldi kar li. I think where I am right now, I think she has a big role to play because she is the one who instilled the belief in me, jo ke I didn't even know existed in me. Ke she wanted me to tap my true potential. She wanted me to do well in life, and she is the one who told me that what's possible for another man is possible for you. अरे वाह. So she's a catalyst and आपका environment जैसा भी हो आप वैसे बन जाते हो. Obviously ये काम तुम कर ही नहीं सकते अगर तुम्हारी partner का तुम्हारे साथ 100% collaboration ना हो, because बच्चों का ख्याल तो वही रखती है तुम्हारे. बिल्कुल ऐसे ही है. जी. Yeah. And कितना guilt होता है? Guilt, I don't know, आप उसको guilt कह सकते हो, depression कह सकते हो, लेकिन इट्स अ बैलेंस. यानी अगर मैं 3-4 हफ्ते के लिए शूटिंग्स पे जाता हूँ तो हाँ, आई डू गेट होमसिक, लेकिन एट द सेम टाइम वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो वेयर द वर्क टेक्स यू. लेकिन वापस जब आता हूँ तो 2-3 हफ्ते के लिए कुछ नहीं खा रहा होता, घर होता हूँ. तो इट्स अ गुड बैलेंस आई थिंक. तो ये मानते हो आज अपनी बीवी को एक क्रेडिट दोगे कि तुम जहाँ उसके बगैर नहीं हो सकते? एब्सोल्युटली. मैं तो डम्प्स ऑफ डिस्पेयर में था. आई गेस उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताया कि ये दरवाजा है, यू हैव टू गो थ्रू इट. यू आर अ लकी गाय, आई मस्ट से. एब्सोल्युटली आई एम. अच्छा, एक्टर एक इन्फ्लुएंसर भी होता है और पूरी दुनिया में एक्टर्स एक्टरिज्म कर रहे हैं. हमारे यहाँ क्यों एक्टर एक बुद्धू विदाउट एनी पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल मौकफ के बगैर क्यों एक फीका सा एक्टर क्यों है हमारे यहाँ? क्यों नहीं उनका दिल करता कि दुनिया में हम चेंज लाएं, कुछ करें? I guess हर individual different होता है. हर individual की एक philosophy, एक history different होती है. So it all comes down to what kind of person you aspire to be. Okay. So जहाँ पे आपने activism या politics की बात की, मैं थोड़ा involved होता था politics में, लेकिन फिर मैंने realize किया कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स के घर जाता हूँ तो एक बदमस्की सी एक बहस शुरू हो जाती है. तो वो passion और enthusiasm. Parents किसकी side पे हैं? बस हैं, कुछ पुरानी पार्टीज की साइड पे हैं, कुछ नई पार्टीज की साइड पे हैं. और इमाद किसकी साइड पे? इमाद तो अपने आइडल की साइड पे था, लेकिन अब थोड़ा सा एंथुसियाज्म खत्म हो चुका है. तो ही डिसअपॉइंटेड यू? इट्स नॉट अबाउट डिसअपॉइंटमेंट. आई रियलाइज कि हूएवर स्लीप्स इन द व्हाइट हाउस इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस माय फ्यूचर. मेरा फ्यूचर, आई होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई होल्ड द की फॉर माई ओन फ्यूचर. अप्स एंड डाउन्स, इन्फ्लेशन, हर चीज, ये चीजें आएंगी, लekin that's part of life. Do you believe in real democracy? Do you think that's the only solution or not? I think so, lekin democracy begins at home. Okay, how? I mean, you can't be a dictator at home, and you have to practice what you preach. Okay. So for me, if a person says something and he does something else, main jo kehna cha raha hu ye kehna cha raha hu ki aapke amal, aapka action jo hai wo zyada matter karta hai aapke alfaz se. Are wah. अच्छा, मुझे सबा कमर हमारे मुल्क की, मैं समझती हूँ कि आजकल की बेहतरीन एक्टर्स में से एक है. एक एक्शन रिएक्शन का जो एक्टिंग में गेम होता है, उससे फ़र्क पड़ता है? डिड इट मेक अ डिफरेंस कि बिकॉज तुम्हारे साथ इतनी अच्छी एक्टर थी तो तुम्हें हेल्प हुई, या तुम हर एक के साथ अपना 100% कर सकते हो? इफ़त, मेरी कोशिश होती है कि आपके हाथ में क्या है, आपका एटीट्यूड है, आपकी एफर्ट है, और उस दिन आप क्या क्रिएट करोगे अपनी एफर्ट से, अपनी क्या कह सकते हैं, कामराडरी से या रिस्पेक्ट से,
उस दिन क्या करोगे? रिजल्ट्स आपको 3-4 महीने बाद मिलेंगे, लेकिन उस दिन क्या कर रहे हो आप? बिकॉज yesterday doesn't matter, tomorrow does not exist, today is all that we have. इस दिन राइट नाउ आई ट्राई टू बी एज attentive right now with you speaking to you. Excellent. So meri koshish hoti hai, so you live in a moment. I try to. Okay. Because tension is an actor's biggest enemy, or relaxation is an actor's best friend. So I try to be in the moment. Mindful hona aur concentration, focus, ye sare tools hain jo ki aapko bhi malum honge, I'm sure. So Saba ke sath I try to build a good camaraderie, and hamare bahut sare scenes, they were like a duet. यानी जिस तरह गाने में एक लड़का और एक लड़की डुएट करते हैं, इट वॉज लाइक दैट. किसी में उसके पास पावर थी, किसी में उसके पास वल्नरेबिलिटी थी, किसी में मेरे पास पावर थी, किसी में मेरे पास वल्नरेबिलिटी थी, लेकिन इन ऑल द एसेंस, इन द बिगेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, वी बोथ हैव टू बी वेरी, बोथ हैड टू बी वेरी वल्नरेबल, वेरी वल्नरेबल. सो आई थिंक आई बिलीव के ऑडियंस को पसंद आया जो भी हमने. बिल्कुल पसंद आया. चीख इज, मेरे ख्याल से चीख से इज अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर. एब्सोल्युटली वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स. बहुत टर्निंग पॉइंट्स आते हैं लाइफ में आपके, लेकिन वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, एंड आई थिंक इट्स गिवन मी एन आइडेंटिटी एज एन एक्टर नाउ, एज एन एक्टर. और वंस अगेन उसके पीछे 5-6 साल का एक प्रोसेस था दैट मेड मी अ केपेबल एक्टर टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. मेहनत की और फल मिला, जबरदस्त.